अनबिलीवेबल का ट्रेलर आ गया गाइस। वैसे भी इस साल बॉलीवुड जल्लाद बन गया, बैक टू बैक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। एंड अभी तो दिसंबर बाकी है, तो दिसंबर को पूरा करने, बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड चूरा करने संदीप रेड्डी वंगा रणबीर कपूर के साथ लेकर आ गए अपने एनिमल फिल्म का ट्रेलर। देखो मैं फिर से कहूंगा कि संदीप रेड्डी वंगा की फिल्म की जो कहानी रहती है वो सिंपल ही रहती है, एंड आपको एनिमल का ट्रेलर देख के भी नजर आ ही गया रहेगा। लेकिन आप जब फिल्म देखोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि भाई साहब ये सारे सीन्स दिखाने के लिए बहुत डेयरिंग चाहिए। इनफैक्ट संदीप रेड्डी वंगा की फिल्मों के जितने भी कैरेक्टर्स रहते हैं उनके अंदर आप अपने आप को ढूंढोगे, ये इनकी खासियत रहती है। भाई साहब बाकी के फिल्म मेकर्स डरते कि कहीं हमें ए सर्टिफिकेट ना मिल जाए, लेकिन संदीप रेड्डी वंगा छाती तान के बोलते कि साला मैं फिल्म ही बना रहा हूं ए सर्टिफिकेट के लिए, ताकि ए सर्टिफिकेट लिविंग सर्टिफिकेट ले ले। अगर मैं एनिमल इस ट्रेलर को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि इट्स अ फैंटास्टिक कट ट्रेलर। आई मीन रणबीर कपूर का विश्वरूप, ऊपर से वायलेंस का धूप, बाप बेटे का राड़ा और इमोशन का भी लेयर इतना गहरा फाड़ा, पंपर ओपनिंग लेगा, वो भी सैम बहादुर के साथ क्लैश होने के बावजूद, वो भी ए सर्टिफिकेट रहने के बावजूद, वो भी 3.5 घंटे की पिक्चर रहने के बावजूद लिख के ले लेना। मैं डे वन से भोक रहा था कि कोई भी फिल्म में आए या भाड़ में जाए लेकिन एनिमल को लोग याद रखेंगे। यार ये पहली ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म रहेगी जिसका खून खराबा लोग और मांगेंगे। लोग निब्बा निब्बियों की लव स्टोरी बनाते हैं, संदीप रेड्डी वंगा बाप बेटे की लव स्टोरी बनाए, एंड इस फिल्म को देखने के बाद आपके दिमाग में दो ही चीज चलेगा, या तो आप अपने बाप से और ज्यादा प्यार करोगे या तो फिर आप सबके बाप बन जाओगे, वो भी कातिल। देखो ट्रेलर से स्टोरी का अंदाजा लगा सकते हैं कि रणबीर कपूर को कोई बीमारी रही होगी, बचपन में बाप का मचमच उसके दिमाग में मगरमच्छ जैसा छपा रहेगा जिसके बाद वो तबाही मचा रहा है। इनफैक्ट आप बॉबी देओल के लुक को ध्यान से देखो, पूरा रणबीर कपूर का ही गेटअप लगता है। ऐसा लगता है कि रणबीर कपूर का वो वहम है, बॉबी देओल कोई कैरेक्टर ही नहीं, वो एक वहम ही होगा जिसके वजह से वो अपने ही दिमाग से लड़ रहा है एंड इतनी सारी तबाहियां मचाते पे मचाते जा रहा है, जिसके बीच में हमें इमोशंस, बाप बेटे का रिश्ता वगैरह सबका सब तहस नहस देखने मिल जाएगा। फिल्म का लेंथ 3 घंटा 21 मिनट है, जबकि इंटरवल तक ही फिल्म 2 घंटे की हो जाएगी, एंड ये बहुत ही बड़ा रन टाइम है। हालांकि देखो कबीर सिंह भी 3 घंटे की थी, लेकिन उसके पास वो अट्रैक्टिव पोर्शन सीन्स थे, फ्रेम्स थे, जिसके वजह से ऑडियंस बैठी थी। बट अभी के टाइम पे ऐसा हो गया ना कि साला रील पे भी ऑडियंस का पेशेंस टूट जाता है, कंटेंट स्किप कर देती है, तो यहां पर थोड़ा सा वो लगता है। लेकिन अगर फिल्म अच्छी रहेगी तो कैसे भी करके ऑडियंस बन जाएगी, अगर नहीं रही तो 1 घंटा बैठना भी मुश्किल हो ही जाता है। एनीवेज ट्रेलर में मेरे को 2 शॉट भारी लगता है, जब वो रणबीर कपूर ऐसा आता है फाड़ के चल के, ओ हो हो, एक वो और वो मशीन गन वाला, आई मीन वो सीन देख लेना, थिएटर में इतना धुआं कर देगा, इतना धुआं कर देगा, इतना धुआं कर देगा कि क्या पता इसके स्टोरी लाइन से कितनों की गांड भी जल जाए। बाकी रणबीर कपूर लुक सॉलिड, जैसे यार अपने खून में अपने को बियर मिलेगा वैसे ही रणबीर कपूर के खून में एक्टिंग मिलेगा। यार उसके लिए एक्टिंग ना करना सबसे ज्यादा हार्ड है और एक्टिंग करना मस्का। क्या रेंज दिखाई ट्रेलर में, कांड फट गए देख के। ट्रेलर में नेशनल क्रैक रश्मिका मंदाना भी नजर आती है, जो कि तोतला सेठ का रोल प्ले कर रही है। आई मीन उनका डायलॉग मेरे को क्लियर समझ ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है मावा खा के डायलॉग बोल रहे। तो 2-3 बार समझा सुना तब मेरे को मालूम पड़ा कि अच्छा इंग्लिश है। एंड वही बॉबी देओल का भी है लुक, तो ऐसा लग रहा था कि यार उनको 1-2 डायलॉग दे देना चाहिए था। आई मीन 20-25 साल बाद बंदा जब एक्टिंग सीख लिया फिल्में करते करते, तो डायरेक्टर ने उनको डायलॉग ही नहीं दिया। बट यार वो ऐसा लग रहा है स्क्रीन तोड़ देगा। 100 करोड़ के बजट में ये एनिमल बनी फिल्म लोगों को ये सिखाएगा कि हाउ टू मेक अ फिल्म वेरी अट्रैक्टिव विद अ सिंपल स्टोरी। सो ओवरऑल एनिमल का ट्रेलर प्रूव करता है कि फिल्म जानवर तो रहेगी जो इंसान के लिए बनी है, ताकि इंसान जानवर ना बने। तो भाई मेरे को तो मजा आ गया ट्रेलर, बाकी आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, प्लीज इतना भाव मत कहिए, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।